आज कहाँ पे आई हुए हैं? मैं आज अपने नामांकन के लिए आई हूँ। महिलाओं के लिए क्या कहेंगे? स्पेशली महिलाओं के लिए ही करने आई हूँ स्पेशली। जी, क्या मुद्दे होंगे? मुद्दे की उनकी भागीदारी और शिक्षा और स्वास्थ्य, ये तीन। आज मैं महोबा कलेक्ट्रेट में हूँ, जहाँ पर नामांकन हो रहा है। आप मेरे पीछे देख भी रहे होंगे यहाँ का नज़ारा कि किस तरह का नज़ारा है। भीड़ भाड़ है, जानवर भी आ जा रहे हैं और लोग कलेक्ट्रेट जा रहे हैं नामांकन के लिए भी। प्रत्याशी जा रहे हैं, बहुत प्रत्याशी उत्साहित नज़र भी आ रहे हैं। तो यहाँ के कई पार्टी के प्रत्याशी हैं, चलिए तो उनसे हम जानते हैं कि वो दूसरा अपना नामांकन पत्र भर रहे हैं और नामांकन पत्र में क्या क्या घोषणाएं हैं। आज मैं कलेक्ट्रेट परिसर में आया हूं दूसरा पर्चा दाखिल करने के लिए, जो माननीय बहन जी के आदेश हैं कि आप 3-3 सेटों में पर्चा दाखिल करिए। तो आज दूसरा सेट दाखिल हो गया है और मैं आप लोगों को बधाई देता हूं कि आज मेरा दूसरा पर्चा दाखिल हो चुका है। हम करके दिखाने वाले लोग हैं कि हमारी माननीय बहन जी करके दिखाती हैं, मैनिफेस्टो बातें नहीं करती हैं। आपके क्षेत्र में ऐसा क्या लगता है कि मूलभूत चीज तो हमारे यहाँ ये लगती है कि शिक्षा में हम लोग बिल्कुल पिछड़े हुए हैं, ना हमारे पास शिक्षा है। किसान बेचारा मर रहा है, उसकी कोई सुन नहीं रहा है। कोरोना में क्या स्थिति हुई है वो सब आप लोगों से कोई छुपी नहीं है। नोटबंदी में क्या स्थिति हुई है छुपी नहीं है। कोई हिंदू की बात करता है, कोई मुसलमान की बात करता है, इंसानियत की बात कोई नहीं करता है कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। हर समाज में गरीब आदमी होता है, हर समाज में अमीर आदमी होता है। भाई उन गरीबों का किसी उनका क्या दोष है? तो उनके लिए सरकारों को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि आखिर जी हमारी गरीबी हटे तो कैसे हटे। अब वो हटाने का माध्यम बाबा साहब ने बता दिया था कि कुछ ना दो, कुछ ना दो, उसको सिर्फ कलम पकड़ा दो। जिस समाज को कलम पकड़ा दोगे वो खुद में खुद अपने रास्ते तलाश लेगा, अपने अपने रास्तों पे चल देगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था जिस समाज को मानना हो उसको बंदूक पकड़ा दो और जिस समाज को उन्नति करना हो उसको कलम पकड़ा दीजिए कि वह शिक्षा दिला दीजिए, वो अपने रास्ते खुद में खुद ढूंढ लेगा। तो आज हमें इंसानियत की ज़रूरत है। जो घोषणा पत्र आने वाला है और अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो मुद्दे दिए हैं, जिनकी 300 यूनिट बिजली फ्री, समाजवादी पेंशन 1,500 रुपये और पुरानी पेंशन की बहाली, इन मुद्दों को लेके जा रहे हैं। और पिछली सरकार में जल संरक्षण पे जो काम किए हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण महोबा, चरखारी और बुंदेलखंड के तालाब हैं। इन मुद्दों को लेके जा रहे हैं और यहाँ का एकमात्र उद्योग जो क्रेशर उद्योग था, जिसको वर्तमान सरकार ने बंद कराने को और उसका वो कराने का जो प्रयास किया है, तो उसका पुराना गौरव क्रेशर उद्योग का हम लोग बहाल कराएंगे, जिससे मजदूर, व्यापारी, पहाड़ के पट्टाधारक सब का रोजगार सृजन का कार्यक्रम होगा। साइकिल की हवा पुराना 12 से 17 का कार्यकाल उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कि उसमें समाजवादी पेंशन दिए, राशन की किट में घी से लेके हर सामान दिया, बच्चों को, छात्रों को लैपटॉप दिया, वो प्रमाण है। वो सब बंद कर दिया है वर्तमान सरकार ने। क्रेशर उद्योग से पिछले 5 साल जो समाजवादी सरकार थी उसमें केवल क्रेशर उद्योग नहीं, व्यापारी भी थे, मजदूर भी थे, सब लोगों का कार्य और वो चल रहा था। लेकिन वर्तमान सरकार में आप पिछले 2 साल में देख लीजिए, क्रेशर उद्योग बंद हो गए। बंद होने से क्रेशर उद्योग नहीं, व्यापारी, मजदूर सब पलायन हो गया। विधानसभा का पूरा विश्वास है कि अपने बेटे को पूर्ण रूप से आशीर्वाद प्यार मिलेगा, इसी विश्वास के साथ मैंने आज नामांकन दाखिल किया है। निश्चित तौर पर मिलेगा मौका, क्योंकि अभी तक दादा और साहब को चुना गया है, आज मौका बेटा चुनने का है। तो मेरे ख्याल से विधानसभा परिवार पूर्ण रूप से आशीर्वाद देगा, बेहतरीन प्यार देगा, 100% मौका देगा, ऐसी उम्मीद है मुझे। पहला मुद्दा तुम्हारा ये है कि हम जहाँ से बिलोंग कर रहे हैं पनवाड़ी और दूसरा जैतपुर, इसको नगर पंचायत के लाइन लेंगे हम। सबसे पहला मुद्दा हमारा यही है कि आज तक जो नगर पंचायत नहीं हो पाई है उस मुद्दे को लेकर हम उठाएंगे आवाज़ अपनी। दूसरा मुद्दा युवाओं के लिए स्टेडियम, खेल के ये प्रयास करेंगे। तीसरा किसानों के लिए जो हमने 30 साल पहले नहरें बनवाई थी या बांध बनवाए थे, उनके जीर्णोद्धार के लिए और उसे आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे। जब विधानसभा का मेरा परिवार
अन्य लोगों को मौका देता रहा है, तो आज तो बेटे की बारी है। जब बेटे की बारी है तो मेरे ख्याल से कोई चुप नहीं होगी। दिन में कई बार साबुन से 20 सेकंड तक हाथ धोएं या सैनिटाइजर का प्रयोग करें। खांसते या छींकते समय एक टिश्यू पेपर या रुमाल का इस्तेमाल आवश्यक करें। खांसी बुखार होने पर तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से बचें। दिए गए सभी नियमों का पालन जरूर करें और अपने घरों में स्वस्थ रहें, खुश रहें, तभी हम कोरोना वायरस की इस जंग को जीत पाएंगे। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।